ऐसी दीदी सबको मिलनी चाहिए, भगवान करे। ना ना, सबको मिलेगी तो मुझे नहीं मिलेगी। ऐसी दीदी किसी को नहीं मिलनी चाहिए, सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। सो गाइस, ये देखो मेरे गैजेट। देखो, एक तो ये बहुत महंगा पड़ा, फिर उसके बाद मैंने शौक में ये ले लिया स्टिक लोहे वाली, वो उससे महंगी बड़ी। फिर ये मैंने लिया माइक वायरलेस, ये भी बहुत महंगा पड़ा, ठीक है। फिर वो लाइट भी ली थी मैंने, और झूठ नहीं बोलना। उसके बाद सबसे ज़्यादा बड़ा ये मेरे को कमेंट करके बताना ये कौन सा है, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ, देखो इसका कवर जो है ना, बहुत महंगा पड़ा था मुझे, आप मान लोगे नहीं। कवर इतना महंगा पड़ा था कि एक साल का रिचार्ज हो जाता है मेरे जियो का। तो जीजा मांग रहे हैं इस फोन की पार्टी, कब होएगी हमारी ब्लॉगिंग के लिए हम। अच्छी होनी चाहिए, बड़े वाली। ये कौन सी पार्टी है जिसमें? तो दोस्तों, ये रही हमारी बिल्ली, इसको राहुल लेके आया। इसको जब हम लेके आए थे तो बड़ी छोटी सी थी, जैसे कि माँ के पेट से गोली देके पैदा हुई है, सिर्फ बाहर आई है। ये सच नहीं है, झूठ है, पूरी अच्छी बन के आई थी। हाँ, तो ये थोड़ा सा सही तरीके से पैदा हो गई थी। इसकी मम्मी बहुत ज़्यादा बेकार औरत थी, नहीं मना कर रही है, कह रही है मेरे घर के ऊपर मेरी माँ पे मत जाना। और ये अपनी माँ की बहुत बेकार और ये बच्ची थी, है ना, ये तो सच है। ये भी मना कर रही है। अच्छा, ये गोलियों के बल पे पैदा हो गई थी, ठीक है, ये भी मना कर रही है। तो सारे मांग रहे हैं इस पार्टी, हम सुबह सुबह स्टार्ट हो गए। देखो भाई साहब, एक तो बात है इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है कैमरे की, और सुबह की बजाय है 8। इसका सारा मौज खत्म होने वाला है 1 तारीख को। दीदी ने लगा दिया फाइनली हमें आज काम पे, कह रहे हैं कि आज आके दूध लिया, नहीं तो भाई मैं 11 बजे से पहले नहीं उठता था हर बारी। देखो आज 8 बजे उठ के बैठ गया हूँ, और सोच रहा हूँ आज डेली ब्लॉग करूँ यार। काफ़ी दिन से मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ वीडियो को, काफ़ी ज़्यादा लाइटली ले रहा हूँ यूट्यूब को, तो सोचा हूँ थोड़ा सा सीरियस हो जाऊँ, ठीक है। घर में सारे हैरान हैं, इतना महंगा फ़ोन कैसे ले लिया, इतना महंगा फ़ोन देख लो यार यूट्यूब के पीछे। आप सब है ना ये नहीं मानोगे कि पहले तो हमने आईपैड लिया, आईपैड लेने के बाद फिर एक मैंने अपना 11 लिया, ठीक है, 11 लेने के बाद फिर मैंने लिया अपना ये आईफोन। सो गाइस, हमारे यहाँ 10 रुपये वाला बिल भी मिलता है, ठीक है, हम 10 रुपये वाले बिल से काम चला रहे हैं आजकल। गाइस प्लीज़ सपोर्ट करना यार, बहुत महंगा फ़ोन ले लिया, वीडियो तो बना रहा हूँ और कुछ हो नहीं रहा। और ये देखो मेरा दूध, मतलब मेरा नहीं, घर में चाय बनेगी इसकी। सर फाइनली हमने मुँह हाथ धो लिया, सुबह के बज रहे हैं 7:00, और मैं सोच रहा हूँ आज करूँ डेली ब्लॉग, क्योंकि बस इतना महंगा फ़ोन लेने के बाद अगर हम डेली ब्लॉग ना करूँगा फिर फ़ायदा क्या है यार, ठीक है। सर जोश ने फ़ोन तो बड़ा महंगा ले लिया, तो ये भी देखो मेरा घर कैसा। मकान मालिक ने सुबह अभी बोला है, कल बोला मकान मालिक का फ़ोन आया, कह रहे कि खाली कर दो। एक खुशी आई नहीं कि दूसरी खुशी सर से जाने, मतलब एक खुशी आई नहीं हमारे अंदर कि फ़ोन लिया ही नहीं था, उस खुशी मनाने बना ही रहे थे कि सामने फिर एक अच्छी सी नेगेटिव छूट जाएगी, कह रहे कि फ़ोन करके कि कमरा खाली कर देना 1 महीने बाद। ये हमारे घर की चौकीदार है, सारे घर का ध्यान यही रखती है, है ना, इसलिए कमरा खाली हो रहा है 1 तारीख से। वो आ गई, वो देखो ये देखो, दिखाऊंगा आप देखो कैसे आएगी दौड़ दौड़ में। फ्री का दूध पीते कैसे लग रहा है? ओ पिल्ली, सारा दूध गिरा दिया लेकर।
अब मैं भी दूंगा। देखा जबरदस्ती सारा दूध गिरा के भाग गई। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग उठ चुके हैं और अभी मैं पी रही हूँ उठने की मतलब कि सुबह ही मैं पीती हूँ पानी। पानी पीने के बाद मैंने रख दिया चाय बनाने के लिए उधर, और उसके बाद मैं पराठा बनाऊंगी। पराठा बनाने के बाद फिर हम दोनों खाएंगे और फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे अपनी मंजिल पे। आप तो मेरे पास आ गया फोन, अब घर में कोई बिना कैमरे के बच जाए तो बता दे दो। इतना आराम आराम से बोल रहे हैं तो हमारा चाचा सुन रहा होगा। ये देखो ये हमारा बहुत बहुत प्यारा सा चूल्हा है जो मुझे दहेज में मिला है, और पता है इस पे सिर्फ एक ही टाइम में एक ही खाना बन सकता है। ऐसे करके कौन दिया? दिया तो सही ना, ऐसे ठप्पा दिखा के कौन बोल रहा है? मतलब ये तो वो वाले हुआ कुछ क्यों, एक स्टॉप अगर फालतू मिल जाता तो कुछ चला जाता मेरा, कम से कम चाय और एक सब्जी दोनों बनती। और सिलेंडर भी पता कितना, इससे भी बड़ा सिलेंडर दिया था, इससे बड़ा। चक्कर क्या, उन सब ने सोचा था कि हम दो है, उनका क्या पता दो से तीन हो जाते हैं जल्दी जल्दी शादी होने का। ये नहीं डालूंगा, ये काट के निकाल दूंगा। ठीक है तो गटर का पानी हमारे सारे का आईफोन है ना वाटर प्रूफ होता है। बट मैं ना जब वहाँ पे फ़ोन बाय कर रहा था ना, तो उन्होंने बोला, मैंने पूछा उनसे कि हम उसको पानी में डाल सकते हैं कभी कभी, मतलब पानी में भीग गया तो कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये कह रहा देखो पानी में मत डालना, हमारी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, पानी में डालने के बाद बहुत सारे फ़ोन ख़राब हो जाते हैं, ये वाटर प्रूफ नहीं है। और वैसे मैंने देखा था सारे लोग पानी के अंदर डाल के फ़ोन रिकॉर्ड कर लेता, उनका फ़ोन तो ख़राब नहीं होता, बट उसने मेरे को डरा दिया है कभी, इसलिए मैं बारिश से थोड़ा दूर रखता हूँ फ़ोन को। हमने ना पूरा जोर लगाया कि हम सुबह सुबह निकलेंगे पर नहीं निकल पाए, एक तो बारिश आ गई। और देखो भाई साहब गली का क्या हाल है, तू हो जाइए सार टट्टी वाला पानी आ रखा इधर। ये मैं नहीं मिला, नमी लेके आया था नमी, तो बस जा रहे हैं यहाँ से निकलते हैं। सो हे गाइस, फाइनली आज का हमारा ये छोटा वाला ब्लॉग था, बहुत मिनी ब्लॉग था जो मैं अपने एक नंबर फ़ोन से शूट कर रहा था, तो मैं सोचा कि बस ये ब्लॉग अभी यहीं ख़त्म करते हैं। और सुबह से काफ़ी देर से बारिश हो रही थी, उसके बाद हमने सोचा कि 11 बजे निकलना है काम कर लेंगे, बट अब तक एक बज चुका है। तो फाइनली इस ब्लॉग को अब ऐड कर रहे हैं। प्लीज़ बताना डेली रूटीन में आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, शाम का ब्लॉग मैं अलग से शूट करूँगा, वो भी आप बताना। ठीक है, मिलता हूँ।